Yes, we can begin now. Okay, so good evening, everyone. Welcome to Satyagraha Talk Series, Voices from Punjab and Haryana in the context of farmers' movement. As you know that this movement, each time there is a label attached, each time there is an attempt to throttle the movement, we emerge out as a revolution that proves beyond a point that this movement is to save the coming generations and for the soul of this country. So with this motto, we pick up different topics and issues and aspects related to the heart of the movement. Most importantly, it talks about the people who are at the forefront of it and how in this movement, it is the matter and the goal and the thrust that matters more than the individual, because it is a people's movement in every which way. We discussed social justice, we discussed environmental impacts, we discussed media and free speech, we discussed women leadership. And today we are here to discuss about the brutal state suppression of the movement, whether it is in terms of the internet shutdowns or whether it is in terms of surrounding the protest sites or whether it is in terms of arbitrary arrests. So this issue will be taken up in detail, and we have with us Mr. Rajiv Yadav, who will be speaking to us shortly on this complex topic that has interlinkages amongst themselves. So I will hand over to Mr. Rajiv, and I'm going to head over because my internet connection is iffy. So Rajiv ji, welcome to Satyagraha, and thank you for speaking to us in a time when there's such a chilling environment on freedom of free speech and expression. So over to you. Okay, शुक्रिया सिमरन जी. ये बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह में आज ये जिस पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और पिछले दिनों 26 तारीख को जो ऐतिहासिक शांतिपुर जो पूरा आंदोलन था, किसान आंदोलन था, और मुझे लगता है कि इस देश में उतना बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन अब तक कोई भी इतना बड़े स्तर पे नहीं रहा. जो है जिस तरह से लगातार उसको वहां पर दिल्ली की सड़कों पर पूरा लाखों की संख्या में जो हुजूम था, वहां पर नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, वो पैमाने पे जिस तरीके से उठा और जिस तरीके से उसको बाद में जो जो सरकार है, जबकि सरकार ने पहले पे उसके पहले जो बातचीत हुई थी किसान साथियों के साथ, जो उसके जो भी हम लोगों के जो इनपुट साफ आते हैं उसमें यही था कि किसान ने भी उस दिन कोई माता की अगली डेट नहीं दिया, और उन्होंने भी कहा आप गवर्नमेंट को जो तैयारी करनी थी वो साफ साफ दिखा. जिस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में ये इस पूरे मामले को, किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया, वो साफ दिखा. जहां तक कि मैं दो पहलुओं की बात करना चाहूंगा कि एक तो ये पहलू की जो 26 तारीख की जो घटना हुई बाद में मंदीप किया जो सरकार है और जो आरएमसी ने
लगातार जिस तरीके से मीडिया में जो उसके जो मौत होती है उसके बारे में जो लोग कुछ पत्रकारों ने तमाम लोगों ने उस पे जो पोस्ट लिखा अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से नवरीत की मौत एक्सीडेंटल मौत नहीं है बल्कि हत्या है, और उसके ठीक बाद जो मंदीप पुनिया एक पत्रकार है पत्रकार साथी हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्र रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का IMC का मैं भी छात्र रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पत्रकारिता का जो धर्म है उसको निभाते हुए उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से नवरीत सिंह की जो मौत की बात कही जा रही है जो एक्सीडेंटल कहा जा रहा है किस तरीके से वो सही है, सही में कि हत्या है। वहीं पर मंदीप लगातार जो सिंघू बॉर्डर और तमाम वो बॉर्डर्स थे जहां से उन्होंने लगातार वो रिपोर्ट कर रहे थे और उन रिपोर्टों के माध्यम से लगातार वो जिस तरीके से दमन हो रहा था जिसको हम लोग देख सकते हैं कि पिछले दिनों भी गाजीपुर बॉर्डर पर वहां सीमेंट में कीलें गाड़ी जा रही थी और बैरिकेड्स इस तरह से बनाए जाते गड्ढे और बोल्डर को तो सबने देखा। इस तमाम सवालों को लेकर नवरीत मंदीप लगातार उठा रहे थे और जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से ये आ गया कि कुछ लोकल लोग कह रहे हैं कि नहीं इन बॉर्डर को किसान खाली करें, और उन जो लोकल लोग आए थे ये लोकल लोग उसी तरह लोकल लोग थे जिस तरह शाहीन बाग में लोकल लोगों को लाके खड़ा करके वहां पर 23 फरवरी को एक बड़ा दिल्ली रंगों का आयोजन का कपिल मिश्रा के नेतृत्व में हुआ, ठीक उसी तरह से जो है ये लोकल लोग गाजीपुर बॉर्डर पे भी आए, ये लोकल लोग टिकरी बॉर्डर पे भी आए, ये लोकल लोग ही जो है सिंघू बॉर्डर पे आए। अपने आप में बहुत संयोग है कि ये लोकल लोग एक समय में एक साथ ही सब जगह पहुंच रहे हैं। मंदीप ने उन लोकल लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया कि वो लोकल लोग दरअसल लोकल नहीं है बल्कि कोई अमित शाह के साथ किसी का फोटोग्राफ्स है, कोई बीजेपी का कार्ड होल्डर है, कोई बीजेपी का पदाधिकारी है। और जिस तरीके से इस बात के खुलासे के बाद मंदीप को एकाएक जो जो किसानों का आंदोलन का पॉइंट है जो जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां से जिस तरह से मंदीप को गिरफ्तार किया जाता है वो गिरफ्तारी अपने आप में अहम है। खैर मंदीप पे अभी कल जो है कोर्ट का आर्डर आया और उनके ऊपर और उनको रिहा करने का आदेश हुए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर में मंदीप को क्यों पकड़ा गया। सवाल इस बात का है कि तमाम जो 8 पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए क्यों दर्ज किए गए, इस बात को लेकर है कि जो कहा जा रहा है कि खासतौर पे अगर हम पुरानी बात में जाएं फिर से 26 तारीख की बात पे जाएं, इस पे इस देश में बहुत सारी बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि 26 तारीख को वहां पर लाल किले पे लोग पहुंचे और लाल किले पे उन्होंने झंडा लगा दिया। सवाल इस बात का है कि लाल किला या गणतंत्र तंत्र में गढ़ की क्या भूमिका होगी, ये क्या तंत्र उसको उसको प्रतिबंधित कर सकता है, उसको रोक सकता है। लोकतंत्र में अगर लोग को उसकी भूमिका नहीं ले सकता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं ले सकता है, वो कैसा लोकतंत्र होगा। और जिसमें जो जो वहां पर जो लोग गए और जो तमाम लोग इस तरह से गए, मैं कहता हूं कि एक बड़ा विरोध रहा है और हर जगह पर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नवरीत सिंह की जो हत्या हुई है उस सवाल पे हम लोग फिर से आते हैं। जैसे कि मैं देखता हूं कि नवरीत सिंह के जो जो उनकी जो मौत हुई और मौत के बाद उनकी जो चाचा इंद्रजीत और दादा हरदीप सिंह ने ये बात कही है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है कि जो गोली लगने की जो तथ्य हैं उनको उसमें छिपाया गया है, और उनके चाचा जो इंद्रजीत हैं उन्होंने ये मीडिया में भी बात आई है कि उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर ने लगी है लेकिन रिपोर्ट उसने गायब कर दिया गया है। सवाल इस बात का है, और जबकि दिल्ली पुलिस और सरकार इसे ऑटोप्सी रिपोर्ट आने से पहले ही सही ट्रैक्टर को अनियंत्रित होकर पलट जाने की बात कहती है। सवाल इस बात का है कि अगर किसी की मौत हुई है या हत्या हुई है, एक्सीडेंटल मौत है या हत्या है, अगर सरकार इतनी ही जिम्मेदार है, इतनी ही गंभीर है, तो आखिर में जो उनके परिजन है उनके सवालों का उसके पास कोई जवाब है। आप कह देंगे कि उसकी मौत एक्सीडेंटल हो गई, कुछ लोगों ने मीडिया में रूमराइज किया गया कि सिख तो जो है
स्टंट कर रहे थे या ये लोग पंजाबी लोग बहुत सारा स्टंट करते हैं। सवाल इस बात का है कि लाखों ट्रैक्टर निकले उस दिन और हर ट्रैक्टर पे मुझे लगता है कि मिनिमम पांच लोग हमने देखा, जो मैं भी सिंगू बॉर्डर से लेकर उस दिन लाल किले तक मैंने देखा, बादली के पूरे इलाके को देखा, कहीं पर भी कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। वो घटना सिर्फ आईटीओ पे हो रही है और आईटीओ एक प्रोमिनेंट प्लेस है जिसका सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी आया है। सवाल इस बात का है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये रूमराइज किया जा रहा है कि उसकी हत्या नहीं हुई है, एक्सीडेंटल मौत है, और एक उसके चाचा बोल रहे हैं, उसके परिजन बोल रहे हैं, और कोई मान लीजिए कोई मनदीप या कोई एक्सवाइजेड कोई पत्रकार वहां पर जो मौजूद था अगर वो कह रहा है कि नहीं ये हत्या की गई है, तो सिंपल सा मामला है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आप जांच करवा लीजिए। क्या मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पत्रकार रूमराइज कर रहे हैं? इस देश में अर्णव गोस्वामी से लेकर तिहाड़ी से लेकर तमाम लोग जब फर्जी रिपोर्टें दिखाते हैं तब आप कहते हैं कि रूमराइज नहीं कर रहे हैं, और आप जब वो एक फैक्ट की बात कर रहे हैं तो रूमराइज कर रहे हैं। जो मुझे फैक्ट मिले इस मामले में, जो इस पूरे नवरीत की हत्या जिसके बाद ऐसा नहीं है कि मनदीप की गिरफ्तारी के अलावा बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर इस बात का दबाव था कि वो रिपोर्ट ना छापें, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर मिनिस्ट्री मीडिया में बहुत प्रमुखता से आई और उस रिपोर्ट को लगातार दबाने की कोशिश की गई। जैसे अब आप देख सकते हैं कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में नवरीत के शरीर पर 6 घाव बताए गए हैं और जिसमें 2 घाव ऐसे हैं जो गोली लगने के हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि कोई एक ये नहीं कह सकते हैं कि जो घाव का जख्म है ये तो जो डॉक्टर पोस्टमार्टम में है वो बताता है, लेकिन जो एक एक, एक दिखता भी है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि गोली लगने की बात, गोली लगेगी और गोली और चाकू लगेगा या फिर कोई चोट लगेगी उसको देखने से भी बहुत सारी चीजें दिखती है और मेडिकल साइंस में उसको एक क्षमता भी है उसको पकड़ने की भी, और उनके चाचा ने भी इस बात को कहा कि डॉक्टर ने इस बात को कहा कि उसको छुपाया गया है। वहीं पर उसमें अगर हम उसके थोड़ा सा डीप में जाएं उनकी घावों के बारे में, तो उसके जो नवरीत की जो ठुड्डी की बाईं ओर 2 cm x 1 cm और दाहिने कान के ऊपर 6 cm x 3 cm की घाव के निशान है, ये घाव के निशान है। और हमारे यहाँ एक कस्टोडियल किलिंग हुई थी 2013 में खालिद मुजाहिद की, और जब उनको जेल से लाया जा रहा था कस्टोडियल कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, और उसमें भी ये सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये मौत तो लू लगने की वजह से हो गई, लेकिन मामला हुआ कि घाव कहाँ से आया। तो इसके वजह से आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे राइट को आप छीन लेंगे, अगर ये अगर उनके ठुड्डी की बाईं ओर 2 x 1 cm और दाहिने कान की ओर 6 x 3 cm के घाव हैं, इन घावों पे बात अगर कोई मीडिया कर्मी करता है तो सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जवाब देना चाहिए, ना कि आपको उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। वहीं पर अगर परिवार का ये भी ये कहना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ एक्सरे रिपोर्ट को नहीं दी गई है, क्यों भाई? अगर आपकी कोई रिपोर्ट है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कोई किसी की मौत हो जाती है तो उसकी उसकी जो रिपोर्ट्स है उसको पाने का हक हमें है, और इसलिए आप कह देंगे कि नहीं नहीं ये हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये मीडिया में चला जाएगा, ये रूमराइज हो जाएगा, इससे सरकार की प्रॉब्लम हो जाएगी, सरकार को इसको इससे आप हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। दूसरा की जो बात इसमें आई है कि जो कि ऊंचाई से गिरने वाले किसी व्यक्ति सिर के ऊपर और ठुड्डी के नीचे एक साथ गहरे घाव लगने की संभावना न के बराबर होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो सवाल इस बात का है कि मैंने इस बात से इसलिए कहा कि जो पूरा मामला मनदीप को जिस तरह से उठाया गया और मनदीप जिस तरह से वहां पर चीजों को वहां पर ला रहे थे कि नहीं किस तरीके से वहां पर आंदोलन में जो बीजेपी के लोग वहां पर इस तरह से कभी शाहीन बाग में किया था इन लोगों ने, कभी सीलमपुर में किया था, ठीक वही बात इन्होंने यहाँ पर किया किसान आंदोलन के बीच में किया। और ये बात सिर्फ मनदीप नहीं कर रहे हैं, पिछले दिनों जिस दिन राकेश टिकैत की बात आपने सबने सुनी होगी,
राकेश ठीक है, जिस दिन वो धरना जो जो बात हुई कि उस दिन धरना वो रोने लगे, और उस दिन राकेश टिकैत के भाई का नरेश टिकैत ने कहा कि नहीं हम धरने से उठ जाएं। राकेश टिकैत ने बाद में इस बात को बोला कि हम जब तक धरने से जब तक कानून खत्म नहीं हो जाता हम धरने से नहीं उठेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने इस बात को बोला कि जिस तरीके से वहां पर लोकल लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर्स वहां पर लगातार बड़े पैमाने पर खड़े थे, और वहां पर ये भी तमाम जगहों से आई सूचनाएं कि वहां पर बीजेपी के एमएलए तक थे, क्या ऐसी स्थिति में क्या जो किसान लौटेंगे उनकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है? तो बता दें जो आज का जो बातचीत है, मुझे लगता है कि ये खास तौर पर ये क्योंकि ये आंदोलन एक देश का बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन में लगातार जिस तरीके से पूरे तमाम बॉर्डर्स पे लोग हमारे किसान साथी लगातार एकजुट हैं, और 26 तारीख के ऐतिहासिक आयोजन के बाद अभी 6 तारीख को बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम का आयोजन है, ऐसे स्थिति में हमको इस बात पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मिनिस्ट्री मीडिया हमारी बातों को लेके नहीं जाता है, अगर आप जो अपस्ट्रीम मीडिया है जो पोर्टल है जो हमारा जो जैसे कारवां के लिए ये काम के लिए भी लिखते थे जनपद.com अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा जो संचालित किया जाता है उसके उसके लिए लाइव रिपोर्ट करते थे तमाम चीजें, अगर हमारी जो सच्चाई है हमारे आंदोलन के हमारे वर्जन जो है उसको अगर मीडिया में नहीं आएंगे तो हमारे बारे में कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे इसके पहले जब एक आंदोलन शुरू हुआ उस समय कहा जा रहा था कि यह आंदोलन खालिस्तानियों का समर्थन किया गया इस आंदोलन में, या फिर ये कहा गया कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाबी हैं, जब इस देश में इसी आंदोलन में लगातार उत्तर प्रदेश में ही लगातार जो नेता हमारे जाने लगे चाहे ऋचा सिंह को हॉटलिस्ट किया गया, प्रेस राठौर और योगी राज पटेल को हाउस अरेस्ट किया गया, राम जन्म भाई को गुंडा एक्ट लगाया गया, तमाम देश में प्रदेश में लोग नेताओं को दमन किया गया, उसके बावजूद लगातार आंदोलन चल रहा है। और मैं लास्ट में इस बात के खत्म करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत सारे साथियों को और भी बात रखनी होगी कि आंदोलन इस बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से इस आंदोलन पे भी ये आरोप लगाया जा शुरू से लगाया जा रहा है, अभी इसके पहले भी मोदी गवर्नमेंट में जो भी आंदोलन चलते हैं कहा जाता है कि ये आंदोलन विदेशी ताकतें इसको भारत को अस्थिर करने के लिए कहती हैं। ठीक, आप यही बात देखिएगा जब भारत में रॉलर एक्ट आ रहा है तो उस समय फिर यही बात होती है कि कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत जो है वो उसको अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें लगी, भाई अंग्रेज भी हैं तब भी आप कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने के लिए लगी हैं, जब हमारे देश के ही लोग राज कर रहे हैं तब भी विदेशी ताकतें लगी हैं। अरे भाई विदेश किसान विदेशी नहीं है, लेकिन इस बात को भी याद करना चाहिए कि ये जो दमन है ये तो आप रोडों पे कीले गाड़ दिए हैं, गड्ढे खन दिए हैं, आपने बुलडोजर लगा दिया है, लेकिन इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि इसी देश में जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन हुआ था, और जलियांवाला बाग के बाद हिंदुस्तान की के इतिहास में जो पूरी आजादी की जंग है उसकी एक तेजी आई थी, और 13 साल के मात्र भगत सिंह थे जो कि दौड़ करके आए थे वहां पर, उनके जलियांवाला बाग का उनके उनके ऊपर गहरा असर पड़ा था और जो उनकी क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाया। ठीक इसी तरह से ऊधम सिंह जिनका टिकरी बॉर्डर पे फोटो लगा है प्रमुखता से, ठीक उन्होंने जनरल डायर को जाकर के वहां पर गोली मारी थी। तो सवाल इस बात का है कि भारत में हमें जो हमारा इतिहास है इतिहास में जिस तरह से हमारे दमन किए गए हैं एक तरफ वो भी है, दूसरी तरफ हमारे किसान जो साथी लड़ रहे हैं, तीसरे कि हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप अंग्रेजों ने भी लगाए थे, हिंदुस्तान की हुकूमत भी आज लगा रही है, और ये किसान की लड़ाई है, ये गुलामी का के खिलाफ एक लड़ाई है, इसको हमें हर स्तर पर लड़ना पड़ेगा, और आगामी दिनों में हम किसान संघर्ष समिति ने जो भी काल दिया है राष्ट्रीय स्तर पर उसको हमें हर स्तर पर सफल करना पड़ेगा। शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू राजीव जी, आपने आई थिंक बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा। आपने बताया कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो नवनीत का जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं एक तरह से मर्डर किया गया है पुलिस के द्वारा, बट हमने भी काफी वीडियो देखी है जिसमें
देखा गया कि वो काफी तेज से ट्रैक्टर आ रहा था, बैरिगेट से टकराया एंड दूसरे बैरिगेट से टकरा के वो स्लिप करा एंड उसके बाद उनकी डेथ हुई। एक तो यह कि ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गोली नहीं लगी है, कि कहीं ना कहीं गोली लगी है बट एक्चुअली में हुआ एक्सीडेंट से डेथ हुई है। तो आप जैसे बता रहे हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट, सो फर्स्टली आई वांट टू नो कि वो आपने ऑटोप्सी रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली है एंड सेकेंडली कि हाउ कैन यू बी श्योर कि वो गोली लगी है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो जो पत्रकार साथियों से ही मुझे मिली है, उनके फोटोग्राफ्स भी हैं, वीडियो भी हैं, और जिसमें दिखने से लगता है जो कि इनकाउंटर और तमाम इस तरह से रिहाई मंच का, चूंकि मैं का जन सेक्रेटरी भी हूँ, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं इस बात को कि उनके पिता जो चाचा का जो आरोप है और उनके चाचा का कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि इस बात को छुपाया गया है, दूसरी तरफ उनके जख्म के जो निशान है, सवाल इस बात का है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप उसकी एक्सीडेंटल हुई थी, उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अगर इस बात को अगर कोई पत्रकार क्या लिख रहा है, जैसे मैं आपकी छोटी सी बात बताऊं कि हम रिहाई मंच के जन सेक्रेटरी हैं और हमको तमाम जो टेरर के नाम पे जो लड़के पकड़े जाते हैं और सरकार कहती है कि इन्होंने ऐसे ऐसे बम ब्लास्ट किए और इस तरह से हिंदुस्तान को जगह जगहों पर दहलाया, लेकिन हम जाते हैं और उनके परिवार जनों का वर्जन लेते हैं और उस वर्जन को लेकर के हम बात करते हैं कि नहीं देखिए ये इस परिवार का कहना है कि जिस दिन आप बता रहे थे घटना को अंजाम दे रहा था उस दिन पड़ रहा था, उस दिन फला जगह सीसीटीवी फुटेज है, फला जगह पर ये था। तो मामला इस बात का है कि अगर हम कह रहे हैं कि मात्र मीडिया में उसके घर वालों का वर्जन आ जाना, अगर वह या फिर कोई हम संदेह ही कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि हो सकता है गोली लगी हो उसके बाद वो स्लिप खा गया हो, और जो जो उसके जो उसमें जख्म को जो मैंने आपको बताया भी, जो जिस तरह से कहा जा रहा है उसमें गार्जियन में भी स्टोरी आई, जगह जगह पे ये स्टोरी आई है। तो मामला है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर सरकार इतनी गंभीर है और इतनी गंभीरता से इस मामले को ले रही है कि पत्रकार को मंदीप को उठा ले रही है, किसी को धमका रही है, किसी को हड़का रही है, ये नहीं, आप डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रखते हैं, पत्रकार को लिखने का हक है, परिवार वालों को बोलने का हक है, उनको आरोप लगाने का हक है, और आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, आपके पास एजेंसियां हैं, आपको जांच करानी चाहिए, आपके पास न्यायपालिका है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी भूमिका में इस रूप से निभानी चाहिए, न कि किसी को मार करके पीट करके और कह दीजिए कि आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मंदीप की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगी कि आप सब पत्रकार लोग समझाओ भाई कि अब लिखने से पहले आपको देखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में एक कानून भी है यूपी को का, अभी वो राष्ट्रपति के यहाँ पड़ा हुआ है, वहां अभी अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसी का उस कानून में भी इस बात को है कि भाई अगर आप यूपी कोका के कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ अगर उसके उसकी अगर मीडिया में कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। पर यहाँ तो बिना यूपी कोका लगाए ही आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सही बात करी कि हाँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि फैमिली को अगर डाउट है कि नहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गोली लगी है, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम लाइक एंड वी आई आल्सो पर्सनली आल्सो रिकमेंड दिस थिंग, आई सपोर्ट यू ऑन दिस थिंग। सेकेंडली आप थोड़ा बताएंगे कि जो मंदीप पुनिया जी है उनका जो गिरफ्तारी का वो है वो क्यों हुआ, मतलब क्या रीजन क्या था, उन्होंने ये गोली वाली बात लिखी थी या कुछ और बात कही थी, आखिर रीजन क्या था कि उनका गिरफ्तारी हुई एंड क्या एलिगेशन क्या लगा उनके ऊपर, कौन सी धारा लगी है? देखिए मंदीप पुनिया इंडियन इंस्टीट्यूट बहुत ही लिखने वाली है, और जो जिस तरह से एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने की बात उन्होंने वो कही मेन स्ट्रीम को कॉर्पोरेट मीडिया भी
सॉरी इंटरनेट कट गया था, डिसकनेक्ट हो गया था, तो मैं फिर से अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली मनदीप को जब उठाया गया था तो मनदीप वहां पर ये जो सिंघू बॉर्डर पर जो है जो संघ और भाजपा जो कार्यकर्ता जो थे और जो स्थानीय बनते थे स्थानियों के भेष में ये बात कर रहे थे कि ये यहाँ से किसान चले जाए, और उसके बाद मनदीप लगातार नवरीत की जो गोली लगने की जो खबर लिखने का जो पूरा जो सवाल था और उसके बाद उस सवाल को भी लगातार कुछ दिन पहले से उठा रहे थे, और लगातार जो नवरीत की जब डेथ हुई थी उसके बाद से लगातार सरकार पत्रकारों पर ये कोशिश कर रही थी कि इस बात को लोग जो है ना लिखें ना बात करें। तो सवाल मेरा यही है कि इस बात पे लेकर रहे कि जो मनदीप है, मनदीप मात्र चूंकि उसके बाद भी देखिए कि बड़े बड़े कई पत्रकार हैं जिनसे जिनके खिलाफ भी मुकदमे पंजीकृत किए गए, लेकिन मनदीप चूंकि एक ग्रास रूट रिपोर्ट करते थे, हर दिन वो फील्ड में रहते थे, आंदोलन में रहते थे, तो उनको उठा करके एक संदेश देने का कोशिश किया गया कि अगर आप इस तरह की रिपोर्ट करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। जैसा कि पिछले दिनों ये पूरा सेंस आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों भीमा कोरेगांव के में जो पूरा घटना हुई, और भीमा कोरेगांव में जो घटना का दूसरा पक्ष है उसके उस पक्ष को कभी इन्होंने नहीं पकड़ा, और उसके बाद जो लोग दिल्ली में उस सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या फिर बात किए या फिर लिखे पढ़े, चाहे गौतम नौलखा हो चाहे सुधा भारद्वाज हो, उनको अरेस्ट कर दिया गया, और ये अरेस्ट करके इस बात को कहा गया कि नहीं, आप अगर इस तरह की बातों को आप इंटेलेक्चुअल ठाट में ले जाएंगे या फिर पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे तो हम आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा देंगे। तो ये एक तरह से उसी तरह की चीजें हैं, और जिस तरह से इस पूरे किसान आंदोलन में भी देखिए तो लगातार यूएपीए की धमकी या तमाम चीजें इस तरह से सरकार जो कर रही है, और एक ये महत्वपूर्ण काम मनदीप तो एक सिंपल सोच सकते हैं कि एक सिंपल पत्रकार, एक फ्रीलांस पत्रकार जो कि उसके पास कोई जनाधार नहीं है, उस तरह का लाखों लाख का जनाधार नहीं है, उसको उसको उसकी क्या वो तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है जब इतना बड़ा राकेश टिकैत जिसके जिनके पिता महेंद्र टिकैत इतने बड़े किसान नेता थे, नरेश टिकैत जिनके भाई हैं, दोनों भाई बड़े पैमाने पर किसान चलाते हैं, वो आंदोलन की साइड पर उनको रोना पड़ गया जो है। तो मतलब कि स्टेट का रिप्रेशन इस तरह से है कि नेताओं को तक रुला दे रही है और पत्रकारों को, और ये कोशिश कर रही है कि आप इस सवाल को नहीं उठाए। अगर ये बताइए कि अगर कितने जो पूरे गड्ढे खने गए हैं या फिर जो पूरा जो है रॉड लगाए ये वहां पर राड लगाए गए हैं जो कि ट्रैक्टर का पंचर कर दें, तो इसकी ये इसकी डेमोक्रेसी में कौन सी इजाजत कहां से मिली है कि सरकार लगा रही है? जैसे लग रहा है कि कोई बॉर्डर हो गया है, वो देश के बॉर्डर लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इसी में हमको देखना चाहिए कि मनदीप को गिरफ्तार करके एक इन्होंने संदेश दिया है कि इस तरह से अगर आप सवाल उठाएंगे, अगर आप हमारा पोल खोल करेंगे, आप अगर इस बात को बताएंगे कि कपिल मिश्रा दंगाई है तो हम आपको चाहे वो नताशा नरवाल हो, चाहे सफूरा जरगर हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, हम आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। यही बात दिल्ली दंगों के समय में हुई, उस दौरान जो लोग रिलीफ का काम किए थे उनको दंगों का आरोपी बना करके आज यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, यही काम रिपीट करना चाहती है मोदी गवर्नमेंट किसान आंदोलन में भी। थैंक यू राजीव जी, ने आपने सही बताया कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच इम्पैक्ट हो रहा है, एंड अगर हम चलो मान भी ले कि किसी पत्रकार ने भी इंफॉर्मेशन करी है, तो हम अगर गोदी मीडिया देखते हैं लाइक जी न्यूज देखते हैं या दूसरे चैनल देखते हैं, तो हम देखते हैं कई बार दूसरे पत्रकार है वो काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, एक तरह का पोलराइजेशन वाला एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं, बट कभी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ। एंड तो आपका ये कहना है कि जो मनदीप पुनिया है उनके अगेंस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट उनको गिरफ्तार किया गया है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए? ये तो माने कि ये जो बात कर रहे हैं ये तो साहब इसी तरह से कर रहा है, और जो आपने बात कही अभी मोदी मीडिया की, अब बताइए कि
खालिस्तान जिन लोगों ने बोला, माने खालिस्तान जिन लोगों ने बोला, तो क्या अगर इतना ही आप कंसर्न रख रहे हैं, इतना ही कंसर्न रख रहे हैं, तो खालिस्तान जिन लोगों ने बोला कि किसानों को खालिस्तानी है, उनके ऊपर कौन सा FIR कर दिया गया है, कितने पत्रकारों को उठा लिया गया है? दूसरा कि आप लगातार जो किसान आंदोलन में जो आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार सरकार को सरकार इस बात से देख रही है कि जो नवरीत की मौत हुई या उसके पहले जो लगातार किसानों की शहादतें आंदोलन के दौरान हुई है, सरकार कभी भी इस सवाल को एड्रेस नहीं करना चाहती है और सरकार की कोशिश है कि वो ये सवाल एड्रेस ना हो बल्कि इन सवालों को वो दबा दे। लेकिन इस बात को देखिए, इस बात को लेकर हम आज भी हम इस बात को है कि ये जो आंदोलन है वो आंदोलनों में इस तरह से सरकार का जो रवैया है वो अगर आजाद हिंदुस्तान में भी गुलाम हिंदुस्तान जैसी पोजीशन रहेगी और आज भी आप जिस तरीके से एक तरह से आप इमरजेंसी ही लगा के बैठे हैं। जैसे मैं आपकी छोटी सी बात कहूं कि आप जो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं और देखिए कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 6 नेताओं पर संभल में 50-50 लाख का गुंडा एक्ट का नोटिस इशू कर दिया गया। मतलब कि आप सिंपल सोच सकते हैं कि 50-50 लाख रुपया और हिंदुस्तान के किसान को ये नोटिस इशू किया जा रहा है और हिंदुस्तान के किसान को गुंडा घोषित किया जा रहा है। कल की डेट में ये बोलते थे जब मुस्लिम जो संगठन या फिर मुस्लिम अपने अधिकारों को निकलते तो कहते थे कि नहीं नहीं ये तो ISI के एजेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, या फिर दलित निकलते थे 2 अप्रैल 2018 को तो 13 नौजवानों को गोली मार करके उनको शहीद कर दिया गया। ये सवाल इस बात का है कि आज ये स्थिति किसान की, मजदूर की, नौजवान की भी हो गई है कि उनको इसी देश में एक देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं वो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हमको इतिहास के आईने में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ठीक इसी तरह से रॉलेट एक्ट के जमाने में भी था और रॉलेट एक्ट का भारत में बहुत विरोध हुआ था और सरकार उस समय डायर ने भी ये मुगालता पाल लिया था कि वो ले जा करके वहां पर बेगुनाहों पर उसने गोलियां बरसाई। लेकिन उसका असर क्या हुआ, पूरी हिंदुस्तान की जो सियासत थी जो है अंग्रेजी हुकूमत को जलियांवाला बाग का हत्याकांड ने पूरा हिला कर रख दिया गया इतिहास में के उस कूड़ेदान में फेंका कि जहां से अंग्रेज फिर निकल नहीं पाए। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं फिर से साफ कर रही हैं कि आप अगर कि आपके इस देश का जो किसान है वो हर कीमत पर लड़ेगा और इसीलिए आप देखिए कि किसान आंदोलन का ही दबाव है कि नहीं तो लगातार जो भी भारत में इसके पहले जो CA आंदोलन पिछली बार हुआ 1920 तारीख को उसमें 23 नौजवानों को उत्तर प्रदेश में शहीद कर दिया गया, 2 अप्रैल 2018 को 13 नौजवानों को शहीद कर दिया गया दलित कम्युनिटी के। लेकिन किसान ही एक ताकत है और सरकार इस बात को जानती है कि किसान की जो ताकत है इसको जो फ्रीलांस मीडिया है, जो वेब मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो आप जैसे जो सत्याग्रह या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा इसको इनको एक थाट मिल रहा है, इनको बढ़ावा मिल रहा है, ये आंदोलन कहीं न कहीं मजबूत हो रहा है, तो इन सब चीजों को वो रोकना चाहती है। इसलिए मंदीप पुनिया एक तो एक एक सिंबल है, टारगेट का पॉइंट है, लेकिन ये बता दिया उसने कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको भी कभी कने उठा लेंगे। राजीव जी, मंदीप जी के अलावा भी किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है इसके बेसिस पे? जैसे हमने सुना राजीव सरदेसाई है इंडिया टुडे के, उनको सस्पेंड किया गया था वो गोली वाली बात के ऊपर, तो उन्होंने बाद में आई थिंक थोड़ा डिसहार्टेड होके वो जॉब भी छोड़ दी। तो किसी और पत्रकार को भी इसके गिरफ्तार किया गया है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया? एक न्यूज पोर्टल की और पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, ध्रुव समथिंग है, और उनको गिरफ्तार किया गया। और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि अभी मेरी जो हमारी साथी हैं NAPM की
राष्ट्रीय संयोजक है ऋचा सिंह, अभी उनको पिछले दिनों जब वो हम लोग को 8 तारीख को दिल्ली पहुंचना था और एकाएक 7 तारीख उनके यहाँ पुलिस आ गई और रोक लिया और उनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उनको उनको होम अरेस्ट करके उनको जाने नहीं दिया। वो मेरी उनसे बात हो रही थी, वो बता रही थी, यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं बलवंत यादव है बलिया से, कि आज वही मीडिया जो एक स्तर पे था, पहले एक स्तर पे था जिसे हम लोग, चूंकि हम लोग बहुत राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के राजनीति में उतनी हमारी दखलंदाजी नहीं है, लेकिन हमारी जिले स्तर की कस्बाई स्तर की जो जगह है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रोटेस्ट करना और आंदोलन करना हम लोग का रहता है। तो आज ये स्थिति अभी तक है कि जो प्रिंट मीडिया है या जो वेब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हमको एक स्थान मिलता है कि और अभी आंदोलनों को, लेकिन अब की बार किसान आंदोलन को लेकर जो ये होम अरेस्टिंग हो रही थी, जहाँ पे जो गुंडा एक्ट हो रहा है, तमाम चीज हो रही, इसको एकदम का एकदम ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है। मतलब कि ये सामान्य मैं बता रहा हूं, तो मतलब कि एक प्रकार से जिस तरह से हेल्थ इमरजेंसी के नाम पर, महामारी के नाम पर, कोरोना के नाम पर ये लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों का दमन किया, ठीक उसी तरह से इसको एक एक इमरजेंसी ही कर दी गई है। नहीं तो आप बताइए कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा किसान आज बैठे हैं, मैं किसी आंदोलन को कम और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि जितना किसान आज बैठे हैं, शायद अन्ना आंदोलन को देख लीजिएगा आप, कि क्या उतने बड़े पैमाने पर था या उतना लंबा था, लेकिन इसी मीडिया का क्या रोल उस समय था और क्या रोल इस समय था। तो मतलब कि जब ये बात देख रही है सरकार कि ये एक वैचारिक पृष्ठभूमि के किसान है, क्योंकि देखिए जो पंजाब है, पंजाब में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी पंजाब नहीं गया लेकिन मैं एक महीना लगभग किसान आंदोलन में रहा, मैंने देखा भगत सिंह, उधम सिंह जिस तरीके से वहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों में बात करते हैं, शायद उतनी आजादी की जो लड़ाई की जो भावना है हम पूर्वांचल या में नहीं देख पाते। अवध बेल्ट में हमारे क्या बेगम हजरत महल या फिर कुछ इस तरह से जो यहाँ पर 1857 की लड़ाई है, यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल टाक में है, लेकिन ग्रास रूट टाक में इस तरह से चीजें नहीं दिखती, लेकिन पंजाब में ये प्रबल भावना ये दिखती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार डरी है कि ये जो संघर्ष है एक वैचारिक संघर्ष है, और जो जिस तरह से किसानों ने इस बात को कहा कि आमतौर पर ये मुझे भी लगता था पहले कि जब हम लोगों को भी कभी आंदोलनों में मुख्यमंत्री या स्तर पे जब बुलाया जाता था कि आइए बैठते हैं बात करते हैं, तो हम लोग यही बात करते थे कि इस पे बात करना क्या, ये आपने हमसे वादा किया था इसको पूरा कर दीजिए है, लेकिन और हम बहुत सारी वार्ताओं को नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमको लगता था कि हम कहीं वार्ता में जाएंगे तो सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाएगी कि नहीं नहीं आप मान जाइए, इतने पे मान जाइए, इतने पे मान जाइए, लेकिन तो शायद हमको कोई कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन इस आंदोलन ने हिंदुस्तान के हम जैसे तमाम आंदोलनों को एक सीख दिया कि नहीं, आप अपने एजेंडे पे, अपने पॉलिसी पे, अपने विचार पे किसी प्रकार का आपको समझौता नहीं करना है, और आप चाहे जो भी हो जाना है उससे वार्ता करना है, हर स्तर पे डायलॉग करना है। शुरुआत में आप देख लीजिए मोदी जी गायब थे, उनको लग रहा था कि नहीं नहीं जो है नहीं बात करेंगे, लोग कह रहे थे खालिस्तान कह रहे थे लाल झंडा कह रहे थे, लेकिन अंत में बात करना पड़ा। ये हमारे किसान नेताओं की परिपक्वता है, ये किसानों की परिपक्वता है कि जो 70 साल में इस किसान को इतना इसका दोहन किया गया, इसका दमन किया गया, वो किसानों की परिपक्वता है कि वहां वो जा रहा है, शायद ये हमने भी कभी तमाम इस तरह की छोटी मोटी बातचीत में हम लोग जाते हैं, ये अपने स्तर पे कि वहां पर जा रहे हैं किसान नेता और अपना खाना लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खुद खा सकते हैं, हम खुद उगा सकते हैं, दुनिया को खिला सकते हैं, तो हम खुद नहीं खा सकते हैं, और उतने बड़े पैमाने पे जो आंदोलन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हर स्तर पे डरी है, और इस तरह के जो क्रिमिनल स्टंट है गवर्नमेंट वो करेगी और आने वाले दिनों में, जिससे कि आंदोलन वो बदनाम कर सके। लेकिन हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि जो मंदीप पुनिया हो, राजदीप सरदेसाई हो, चाहे जो भी हमारे पत्रकार साथी हो जो इस सवालों पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी आवाज बन, हमको भी उनकी आवाज बनना।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, आपकी, सॉरी ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपकी बात कंप्लीट हो गई राजीव जी? जी हाँ, मेरी बात कंप्लीट हो गई, मेरी बात कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं अपना ना, आपकी बात पे मुझे भी एक पॉइंट अभी रियलाइज हो रहा है कि जब से ऐसे ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है सिंस 2014, इनकी पॉलिसीज ऐसी है या कुछ, बट इन्होंने हमेशा ही जो भी इनकी पॉलिसी अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, इन्होंने इसको ना सप्रेस करने की कोशिश की है, चाहे वो रोहित वेमुला वाला का अगर हम केस देखते हैं, या कश्मीर कश्मीर का केस देखते हैं, या जैसे आपने बताया CA NRC वाला, और अभी प्रेजेंटली किसान वाला, तो हर किसी पॉइंट पे गवर्नमेंट ने डिस्कोर्स की जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को दबाने की ट्राई की है। एंड आई थिंक दे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दे वॉन्ट्स टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। वो एक, उन्होंने अपना एक वो बना लिया है, एक अपना यूनिवर्स बना लिया है, और उसी यूनिवर्स में रहना चाहते हैं। कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए अमेरिका में, वहां पे जाके लोगों से बोलते हैं कि इंडिया में सब ठीक है, जबकि उस टाइम पे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था। सो आई थिंक यही ओपिनियन है उनका हर प्रोटेस्ट में, कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही है, देश के लिए भलाई है, चाहे वो लोगों को पसंद हो ना हो। तो ये मेरा ओपिनियन है। एंड इसी के साथ मैं आपका, आई वॉन्ट टू थैंक यू कि आपने टाइम निकाला एंड हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए, और अपना ओपिनियन सामने रखा। ऑल्सो हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, मोहम्मद खान जी, परवीन जी एंड ओंकार जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी गेस्ट से, इफ दे वॉन्ट टू से समथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, आई थिंक हेलो किसी ने, हेलो। हाँ जी प्रवीण जी, हाँ, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली रात भर देर से जुड़ हाँ पाया, जी, हाँ मैं जी, अभी अभी जुड़ा हूँ, तो मुझे नहीं हाँ जी, मालूम कोई क्या बात नहीं, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है हाँ जी, कि ये आंदोलन इंटरनेशनल आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज, ग्रेटा थुनबर्ग, रिहाना, इन सब ने भी हाँ रिहाना, सपोर्ट किया है। तो मतलब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी दुनिया समझ रही है, और एक तरीके से ये गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है। जैसे कहते थे मोदी जी कि मतलब ये दुनिया में डंका बज रहा है, तो अच्छा ये डंका बज रहा है। अब वो भले ही थोड़े इनके खराब कामों के लिए बज रहा है बजाय अच्छे कामों के लिए। तो ये दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है आंदोलन, और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही निर्णायक उस पर पहुंचेगा। 26 के बाद जो थोड़ा सा एक आया था, थोड़ा सेकीनेस एक लग रहा था कि पता नहीं आगे का क्या इसका फ्यूचर होगा, लेकिन वो फिर से मतलब आंदोलन खड़ा हो गया है और ज्यादा मजबूती के साथ। जैसे ही कहा आपने, जैसे आई थिंक काफी सपोर्ट मिल रहा है हमारे फार्मर्स को इंटरनेशनल स्टार्स स्टार्स के साथ भी, हरियाणा का एग्जांपल दिया, दिलजीत दोसांझ का दिया, उसी तरह से ना बीजेपी गवर्नमेंट को भी साथ मिल रहे हैं, जैसे कंगना रनौत जी का। और जैसे आपने बताया कि बाहर में जैसे पहले मोदी जी का डंका बजता था, तो कहीं ना कहीं ना थोड़ा बुरा सा भी लगता है पर्सनल लेवल पे, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, एंड लाइक अ नॉर्मल सिटीजन वी वॉन्ट कि हमारे देश के लोग मिनिस्टर्स का बाहर बाहर जाके वो स्वागत किया जाए या उनको अप्रिशिएट किया जाए। बट कहीं ना कहीं जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, उससे ना तो एक थोड़ी वो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा देश भी एक राइट, मतलब एक फैशिस्ट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल बनता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक ये मीडिया में सामने नहीं आता, बट आप ट्विटर वगैरह पे देखो ना, तो काफी लोग इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। और हमारा बीजेपी का IT सेल तो सबको पता ही है कि जो भी इनके अगेंस्ट बोलता है उसके ट्विटर पे वो द राइट वर्ड शुड बी ऐसी की तैसी कर देते हैं। सो लेकिन मुझे लगता है वो काफी एक्सपोज हो ओंकार गया है, की, लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि मतलब वो IT सेल इनका एक खास मोटिव से काम कर रहा है। तो हाँ, वो प्रोपेगेंडा चीज भी जो शुरुआत में, जो फर्स्ट 5 इयर्स में जो
लोग इतना नहीं समझते थे इस बात को, वो मतलब मुझे लग रहा है कि पब्लिक उस चीज को बहुत अच्छे से वो अब एक्सपोज हो चुका है आईटी से और मीडिया बहुत, और लोग अब उनपे उतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब मुझे लगता है एक पॉजिटिव चीज है कि लोग अब पूरी तरीके से आंख मूंद पर मूंद करके मीडिया पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया और भी सोर्सेस देखते हैं। क्योंकि मैं अपने साथियों को ही देखता हूँ जो किसी समय आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल मतलब ब्लाइंड सपोर्टर थे, अब वो वाली बात नहीं रह गई है। वो अगर सपोर्ट भी करते हैं तो थोड़ा डिफेंसिव उसमें करते हैं कि मतलब उन्हें थोड़ा बच के करते हैं, और मतलब लोगों का बहुत से लोग तो बिल्कुल ही जस्ट अपसाइड डाउन हो गए। मतलब वो बहुत अच्छे मतलब पसंद करने वाले थे बीजेपी को, वो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग धीमे धीमे जो हैं वो, मुझे लगता है कि पहले 5 साल में बीजेपी ने जो काम किया थोड़ा सा छुप करके, थोड़ा सा पर्देदारी रखी, लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरीके से खुल करके अपने एजेंडे पे आ गए हैं, और वो जिसकी वजह से उनका एक्सपोज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इस बजट के बाद तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि उनका एजेंडा है क्या। हाँ, एक्चुअली वही है ना कि देखो कोई मुद्दों की बात कर नहीं रहा। लाइक देश में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है कोविड के दौरान भी, उसके बाद पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है कितना हाई चला गया है। बट कोई पॉजिटिव, और मोदी मीडिया तो वही है पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करती है, बट आई थिंक क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बन जाती है कई बार, बट मिस्टेक्स हो जाती है, बट अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, तो उससे सीखने को मिलता है, एंड विच इज गुड, बिकॉज आप उसमें दूसरों को जो आपके लूप होल थे उसको अकोमोडेट कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप सुनते ही नहीं हो और आप बोलते हो कि नहीं हमारी पॉलिसीज ठीक है, आप गलत हो, या आप कम्युनिस्ट हो, या आप आतंकवादी हो, तो एक तरह से आप एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करते हो जिसमें लोग सेपरेट होते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपके कुछ दोस्त थे वो पहले ब्लाइंडली फॉलो करते थे, बट धीरे धीरे उनको पता लग रहा है कि नहीं अब शायद वो गलत थे एंड बीजेपी इज नॉट द राइट गवर्नमेंट। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इससे ना काफी हमारे देश में भी लेफ्ट एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग बनता जा रहा है, जिससे एंड कोई भी इंसिडेंट होता है ना तो लोग एक साइड जो उनकी फेवरेट साइड होती है उसको चूज कर लेते हैं एंड उसी के पॉजिटिव गिनते रहते हैं, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो। तो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो एंड ऑल्सो वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। So, if I request anyone if they want anything to say. ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं। हाँ जी जी, ओंकार जी हमारे साथ हैं, वो हमारे हमें हमेशा कुछ मोटिवेशन और हमेशा कुछ सीख देके जाते हैं अपनी पोइम के कविता के उस पे। तो आई रिक्वेस्ट ओंकार जी टू प्लीज हमें कुछ अच्छी आज पोइम सुनाए। अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। ये हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी? ओंकार जी आज ब्रेक हो रही है थोड़ी वॉइस, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी। हाँ जी, थोड़ा ना आप बॉर्डर के पास पर, हाँ बॉर्डर के पास सुन देंगे, सुन रहे हैं सर। ओके ओके, अभी तो जी दूसरे फोन से था नेटवर्क। अच्छा, दूसरे फोन से ज्वाइन करने की ट्राई कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे ही हो जाएगा अभी, एक मिनट।
हाँ जी सर, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, अब ठीक आ रही है। आ रही है जी? ठीक हाँ जी, है आ रही जी। है। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ना कुछ लाइनां चलो लिखियां सी, जिहड़ा दिल्ली जो है ना बॉर्डरां दे उत्ते जिहड़ियां रोकां लगा रहे ने, बड़ा कुछ हो रहा है ना उत्ते, उहदे ते चलो कुछ लिखिया सी, जो इन्हां ने पक्कियां उत्ते कंधां भी बनातियां, दीवारां बनातियां, उहदे ते लिखिया सीगा जी कुछ लाइनां, चलो सुनाउण लग्गिया जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई चाल तेरी हुण पास नहीं होणी, कोई चाल हुण तेरी पास नहीं होणी, जिहड़ा मन विच आउंदा हुण कर दिलीए, बार्डरां ते दित्तियां ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੰਧਾਂ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਏ ਜਿਉਣਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਏ ਜਿਉਣਾ, ਆਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏ ਉਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਪਰਦੇਸੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਆਇਆ ਏ ਓਂਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਦਾ, ਆਇਆ ਏ ਓਂਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਦਾ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦਾ, ਪਿੰਡੇ ਅੱਜ ਨੌਦੇ ਪਾਇਆ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ, ਦੁੱਖ ਲਏ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏ ਉਸਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦਿੱਲੀਏ। हाँ जी, थैंक यू ओंकार जी, बहुत ही अच्छी शुक्रिया सर, बात शुक्रिया करी कि हाँ जी, हाँ जी, जी। सच के साथ खड़ने का टाइम आ गया है। हाँ जी, एंड सच के साथ हाँ जी, में हाँ जी, मतलब जी हमें सच दिखाता कौन है? मीडिया दिखाते हैं कि सर, क्या सही है क्या गलत है। बट अगर जी आप सर, बिल्कुल हमारे जी, जैसे, हाँ जी, राजीव जी बता रहे थे कि जैसे बंदीप पुनिया जी जो कि बॉर्डर पे एक जो उनको सच्चाई चल रही थी वहां पे, जो इवेंट्स हो रहे थे वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे वो इवेंट्स, तो गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लिया एक तरह का, उनका जो सच को सामने लाने की रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। एंड रोक लगा दी। हाँ जैसे, जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, और उन्होंने बताया कि 26 जनवरी में जो कुछ लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें नवकिरण जी का उन्होंने बताया कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, या मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, ये एक नैरेटिव कह सकते हैं कि चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक्सीडेंट, एक चल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, और एक कह रहे हैं नहीं गोली मारी गई है। तो कुछ भी हो, बट एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इससे लोगों में एक एक जो अभी है ना, एक जैसे गुस्सा गुस्सा हुआ है कि उसको गोली मारी गई है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपरली कि हुआ क्या है, ताकि लोगों को सेटिएट किया जा सके। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन खत्म कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, राजीव जी, ओंकार जी, स्पेशली बॉबी जी, जो हमेशा एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम सारे अपनी बात उस पर रख सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे।